Hello teachers, good morning to all. This video is especially made for those teachers who are conducting nowadays Zoom lecture during this lockdown period when your schools are closed and you are taking lecture through the Zoom app, right? So there are a lot of issues arising while taking the Zoom lecture. That's why I made this video. How can teachers conduct Zoom lecture without any distraction? The distraction in the form of students are writing something and students are sharing the images, vulgar images, unnecessary images. So how we can stop this wrong things? Whatever the wrong things happening with us, तो Zoom app का lecture लेते वक्त हम इसे कैसे रोका जाए, इस video में आपको बताऊंगा। आपको सिर्फ दो काम करना है। पहला काम यह है स्टूडेंट्स को आपको व्हाट्सएप के जरिए इन्फॉर्म करना है कि जूम ऐप की मीटिंग में आने से पहले, इंटर होने से पहले आप अपनी जूम ऐप की सेटिंग में जाके अपना नाम जो भी है, अपना नाम प्लस क्लास डिवीजन और रोल नंबर लिख लियो। तो जब भी वो जूम ऐप में वो इंटर होगी तो आपको दिखाई देगा कि ये कैंडिडेट उसके नाम के साथ उसका रोल नंबर दिखाई देगा। क्योंकि इससे क्या है कि वो अगर स्टूडेंट्स मस्ती में आके अपने उस लिंक को शेयर भी करते हैं किसी दूसरे फ्रेंड्स को, उसका जो फ्रेंड्स है कोई भी नाम रख के आ जाता है और कुछ भी शेयर करता है, तो इसके ये प्रोटेक्शन है। अगर आप देखते हो जूम ऐप की मीटिंग लेते वक्त अगर अननेसेसरी नाम देखा आपने, मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि नाम आप देख सकते हो, ये मीटिंग है। अब इसमें हैक भी लिखा हुआ है, राइट, ऊपर साइड पे हैक लिखा हुआ है। ये हैक मतलब ये बाकी निपुण बढ़ाने के लिए दारवाल, ये स्टूडेंट्स के नाम हमको समझ में आता है, लेकिन जो हैक्ड है, अब ये हैक नाम का कैंडिडेट जो कुछ भी शेयर कर सकता है मेरी जूम मीटिंग में, तो मेरा पहला काम क्या है, इसे रिमूव करना, राइट। मेरा पहला काम है इसे रिमूव करना। इसी तरीके से आप अपने स्टूडेंट्स को आपके जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है उसके जरिए इन्फॉर्म कीजिए कि अगर आप जूम मीटिंग में आने से पहले आपका अपना नाम बराबर कर लो। अभी देखिए मेरे कहने के बाद उन्होंने सबने बराबर किया अपना। ये आप देख सकते हो, अभिनव मुनोत 9B12 रोल नंबर, अंकित पाटिल 9th ईयर रोल नंबर 20। तो देखा चेन दे रहे हैं वहीं की वहीं, उन्होंने चालू मीटिंग में उन्होंने अपने नाम की एडिटिंग करके बराबर किया मेरे बोलने पर, पहले नाम फिर क्लास डिवीजन रोल नंबर। अगर हम इस सिस्टम से चलेंगे और वाइल ड्यूरिंग द टेकिंग द जूम लेक्चर अगर हम कोई भी अननेसेसरी नाम देखते हैं, राइट, तो हम उसे फौरन ही रिमूव कर सकते हैं। तो अगर हमें कहता है, तो अगर व्हाट्सएप के द्वारा हमें कहता है, तो हमें उसे कहते आएगा कि आप अपना नाम सही करके अपने नाम रोल नंबर क्लास डिवीजन के साथ जूम ऐप की मीटिंग में आना, वरना हम आपको रिमूव कर। दूसरी चीज ये, तो पहली चीज भी, दूसरी चीज ये कि आपको जूम मीटिंग लेते वक्त, जूम लेक्चर लेते वक्त आपकी, मैं आपको बताता हूँ, वहां पर जाके शेयर स्क्रीन को ऑफ कर। जब आपकी मीटिंग स्टार्ट हो चुकी हो, यानी आप ऑलरेडी आपने मीटिंग स्टार्ट कर दी हो और आप स्टूडेंट्स को एडमिट कर रहे हो, यहाँ पर आपके स्टूडेंट्स दिखाई देंगे, एडमिट होते रहेंगे, तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, पहला काम कि स्क्रीन शेयर करने से पहले, आपको स्क्रीन शेयर करना है, आपकी कोई बुक वगैरह दिखाना है, तो यहाँ पे आप देखिए चार ऑप्शन है, राइट। लेफ्ट में म्यूट लिखा हुआ है, सबसे राइट में यहाँ पे तीन डॉट है, पार्टिसिपेंट के राइट साइड में तीन डॉट है, ये तीन डॉट पे आप क्लिक कीजिए। उसमें मीटिंग सेटिंग में जाना है, तीन डॉट पे क्लिक करने के बाद मीटिंग सेटिंग में जाके यहाँ पर शेयर स्क्रीन का ऑप्शन तीसरे नंबर पे है। अगर मैं इसे ऑन करता हूँ तो हर एक कैंडिडेट अपनी स्क्रीन को शेयर कर सकता है और खुद भी शेयर कर सकता है, राइट। तो इसलिए हमारे प्रोटेक्शन के लिए, टीचरों की प्रोटेक्शन के लिए बहुत जरूरी है कि हम इस शेयर स्क्रीन को हमेशा ऑफ रखें। ये वाइट हो गया तो ये ऑफ है। इसके अलावा आपकी मीटिंग चल रही हो तो आप मीटिंग, सारे कैंडिडेट एडमिट हो गए, उसके बाद म्यूट ऑल करना है। यहाँ पर आप इसे क्लिक कीजिए और म्यूट ऑल कीजिए, तो सारे कैंडिडेट्स, सिर्फ आपकी आवाज़ उन लोगों को जाएगी, उन लोगों की आवाज़ आप तक नहीं आएगी, प्रोटेक्ट कर सके। और किसी भी डिस्ट्रैक्शन से, देयर आर द लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन दैट एक्चुअली कोई हैकर नहीं होता है, ये स्टूडेंट्स ही क्रिएट करते हैं ताकि डिस्टर्ब कर सके। क्योंकि जूम एक ऐसी चीज़ है, जूम में मोबाइल नंबर नहीं रहता है, कोई भी फेक आईडी, कोई भी फेक नाम से अपना नाम बना के जूम मीटिंग में एंटर हो सकता है, राइट। तो इसलिए हमको प्रोटेक्शन के लिए ये चीज़ करना है। अगर ये दो चीज़ हम करते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स को कह दें कि नाम बराबर कर ले, और दूसरी चीज़ हमने शेयर स्क्रीन सिर्फ हमारे लिए ही ओपन रहेगी, तो हम हमारी स्मूथली जूम लेक्चर को कंडक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।